प्रलोभन देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह के सरगना को रामपुर पुलिस ने काफी मुशक्कत के बाद हरियाणा के रोहतक से पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी ह्यूमन रिसोर्स में MBA है और 8 भाषाओं का ज्ञाता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठग फर्जी खाते खोलने और लोगों को दूरभाष से अपनी जाल में फंसाने का काम करता था। एक शिकायत पर रामपुर पुलिस 72 लाख की ठगी मामले की जांच में जुटी थी। हालांकि मामला 2 वर्ष पुराना था, जिससे पुलिस को साक्ष्य मिलना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन रामपुर पुलिस ने जांच अभियान को जारी रखा। इसी दौरान जांच में रामपुर पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अभी ठगी मामले में गिरोह के 5 और लोगों की तलाश है। पुलिस ने प्रवीण कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र हवा सिंह गढ़ी सांपला रोहतक हरियाणा निवासी को पकड़कर रामपुर पहुंचाया। पुलिस के अनुसार रामपुर थाने में मई 2018 में गोरा के रहने वाले अध्यापक देशलाल गौतम ने ठगी की शिकायत की थी। इस पर रामपुर पुलिस की टीम ने अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार उक्त ठग ने फर्जी पहचान से 4 अलग अलग खाते खोलकर विभिन्न खातों में करीब 42 लाख इन खातों में पीड़ित से ट्रांसफर कराए, उसके बाद खाते बंद करा दिए। इसके अलावा अन्य प्रलोभनों के माध्यम से भी शिकायतकर्ता एवं पीड़ित से धन जमा करवाया। कुल 72 लाख की ठगी इस गिरोह ने की है। पकड़ा गया ठग ह्यूमन रिसोर्स में MBA है। हालांकि ठग प्रवीण कुमार के अनुसार गिरोह के सरगना वह केवल उनके निर्देश पर कर्मचारी के रूप में काम करता था। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन ठगी के कई मामले हुए हैं। कई मामले विदेशी फेसबुक फ्रेंड बनकर फ्रॉड व कई मामले इंश्योरेंस में पैसा लगाकर धन में ब्याज अथवा अन्य लाभ कैसे अधिक कमा सकते हैं। प्रलोभन दिया जाता रहा। संभावना जताई जा रही है कि इस गिरोह में फील्ड स्टाफ भी रखा जाता था, जो कई जानकारियां एकत्रित कर छात्रों तक सूचनाएं पहुंचाते थे। DSP रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने बताया, देशलाल गौतम गोरा निवासी शिकायत की इंश्योरेंस के नाम पर अलग अलग खातों में 58 लाख की ठगी हुई। उन्होंने जांच शुरू की तो पाया कि उनसे 72 लाख की ठगी हुई है, जो पैसा अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने बताया काफी कोशिश के बाद एक गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया अब आगे की जांच में दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से फोन का जांचल देने वालों से बचे। ये देशलाल गौतम जी हैं गौरा के, इन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी कि इनके साथ ठगी हुई है इंश्योरेंस के नाम पर और अलग अलग खातों में पैसे डलवा के लगभग 58 लाख रुपया इनका लूट लिया गया है। लेकिन जब हमने तब अन्वेषण किया तो उसमें पता लगा कि लगभग इनके खाते में 72 लाख रुपया इनका जा चुका है अलग अलग खातों में, और जो खातों की डिटेल पता की गई थी वो भी किसी और व्यक्ति के नाम पर पाए जा रहे थे जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो जब हमारी काफ़ी दिनों से अन्वेषण चल रहा था और कुछ लीड्स हमारे पास आई अन्वेषण में, उसके आधार पर कार्रवाई की, और तो ये जो प्रवीण कुमार है इसे अरेस्ट कर किया गया है, जो सांपला हरियाणा का रहने वाला है। और लगभग 72 लाख रुपये का जो ये ठगी का मामला था, इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है इसने 4 खाते किसी अलग व्यक्ति के नाम से खुलवाए थे और इसमें जो पैसे डाले हैं वो लगभग 42 लाख रुपए, तो इन्हीं 4 खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ और उसके बाद ये ठगी की गई। और इसी तरह जो टोटल ठगी थी 72 लाख की थी, जिसमें अभी अन्वेषण चल रहा है। एक गिरफ्तारी एक काफ़ी मेहनत करने के बाद ये हुई है और काफ़ी इसमें समय भी लगा था, क्योंकि अभी तक कोई लीड इसमें नहीं मिल रही थी। अब ये एक आरोप गिरफ्तारी के बाद हमने ये केस काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया। ठग प्रवीण कुमार ने बताया कि ठग बैक ऑफिस में बैठकर ठगी फोन के द्वारा की जाती थी, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं थे। उन्होंने माना कि 4 खाते फर्जी बनाए, अब वे ठगी धंधा छोड़ चुके हैं। और बैक ऑफिस में वो इस तरह की धांधलीबाजी के काम करते हैं। और बाकी आप जो फोन करते थे, आपने क्या कोई इसका बनाया हुआ कंट्रोल रूम वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, वो बैक ऑफिस जो मैं बता रहा हूँ उसमें बैठ के वो लोग करते रहते हैं। मेरा स्टोर पे ड्यूटी रहती थी मेरी, तो आपको क्या मिलता है इसमें? नहीं, मेरा तो सर मैं HR का काम करता था। मेरा काम था मेन सैलरीज बनाना, अटेंडेंस वगैरह करना, इंटरव्यूज वगैरह लेने की जरूरत थी, और मजबूर उन्होंने हफ्ते 10 दिन तक मुझे बिठा के पूरा माइंड वॉश करते रहे कि घर बना रहे हो बीच में रह जाएगा। आप इतने बड़े हो, आपको जब आप गलत काम कर रहे हो तो आप मुझे सर पर अकाउंट पे 10-12 हजार वो लोग देते थे, और वैसे वैसे बीच में पकड़ा देते 10 हजार ये लो भैया रखो। तो मेरे पास फिर से आए थे गुड़गांव में,